थाना, तुम इतना कुछ सुनकर चुप होकर आ गए हो। दो चार को वही कड़का देना था। चुप होकर नहीं आया है, उनके कान में सुअर भूक कर आया है। अभी उन लोगों को पता चलेगा कि औरत पर फैसला गलत हुआ था। खान, अब मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? औरत भी आपके हाथ से निकल गया और कत्ल पर भी मिट्टी पड़ गई। छोड़ो खान, तुम भी ना तो कत्ल पर मिट्टी पड़ा और ना औरत हाथ से और दिल से निकला है। अभी तुम देखना, बहराम खान फिर से कड़ा खोदेगा और इस कड़े में कोई नया मुर्दा जाएगा। ये दरख्ज़ाई पास में किधर जा रहा है? जो लड़ाई के बीच हम ढाल कर आया वो फूटने के लिए तैयार है। जैसे हम दोनों से तुम बात करते हो ना, कभी अपने लाला और दादाजी से भी बात करना। उनके सामने तो मुंह बंद करके गर्दन झुका के खड़े हो जाते हो। कहाँ हो तुम? क्यों लाला, क्या हुआ? शहर जा रहा हूं मैं। शहर? मगर गाड़ी तो घर में खड़ी, कैसे जा रहे हो? और भी बहुत तरीके हैं शहर जाने के। सड़क पे गाड़ी मिलती है जाने के लिए, बस जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो शहर तुम? क्या मसला है वहां पे? दिलावर खान की बेटी को लेने जा रहा हूं। बता देना सैफ खान साहब को। क्या हुआ, क्या बोल रहा है दरख्ज़ाई? दिमाग खराब हो गया उसका, इलाज के लिए पागलखाने भिजवाना पड़ेगा। खुदाया, सीता ने क्या करके? शांजे बच्चा इधर आओ। गुले, कभी कभी एक जान लेने का वास्ते पूरा कबीला दांव पर लगाना पड़ता है। चलो दरख्ज़ाई, तुम्हारा सांस के साथ चंद सांसें और सही। एक कैसे दिल मिलाता हुआ किया है सैफ और अमरोज खान। अभी तुम देखो एम्बुलेंस कैसे मेरा शिकार लेकर आता है। चलो